अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से दाल चावल, और ये बहुत यूनिक दाल चावल है और ये बहुत मज़े के भी बनते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, और ये चिकन जो है मेरे पास, इसको मैंने पहले से गला लिया है, और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला, जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं, वो मैंने डाल के इसको वेट दे दिया था, और फिर मैंने इसको चम्मच के ज़रिए ही हल्का हल्का उसको मैश कर लिया, और इसके बीच में हड्डियाँ भी हैं, मैंने हड्डियाँ नहीं निकाली, और पूरी साबुत मेरे पास चिकन थी, और मैंने इसको अच्छे से इस तरह से कर लिया है। आप शेवर की भी ले सकते हैं, आप देसी भी ले सकते हैं, जो से भी आपको चिकन पसंद है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर है दाल, और ये जो दाल है, ये मेरे पास चार दालें हैं, चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल और जो है मलका मसूर की दाल। ये हमारे पास चार दालें हैं, और ये मैंने हाफ हाफ कप ली हैं, क्योंकि अगर आप एक एक कप लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। मैंने हाफ हाफ कप ली हैं, और इनमें मैंने हरी मिर्चें, साबुत मिर्चें और कड़ी लीव्स डाल के इनको अच्छे से मैंने गला लिया था, और इनकी पेस्ट बना ली है। और इसके अंदर चाहिएगा दही, दही मुझे चार खाने के चम्मच चाहिए होंगे, सिरका चाहिए होगा सुन्नत रसूल बरकत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमेशा से मैं बताती हूँ, और इसके लिए चाहिए होगा ज़ीरा, साबुत मिर्चें और प्याज। इसका स्टार्ट हम बघार से ही शुरू करेंगे, क्योंकि बघार से ही इसकी हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। नमक मिर्च ऑलरेडी इसके अंदर है, और थोड़ा सा मैंने नमक दाल के अंदर भी डाला था, तो इसलिए साबुत मिर्चें और हरी मिर्चें और कड़ी लीफ डाल के दाल को मैंने गला लिया था, तो कुछ साबुत मिर्च और हरी मिर्चों की भी तेज़ी है, इसलिए मैं मसाले नहीं ऐड करी। और चिकन के अंदर भी मसाले मैं पहले से बता चुकी थी। चलिए अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुकर के अंदर एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, और उसे गर्म कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी, और मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो उस वक्त मैं साबुत मिर्चें और ज़ीरा ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर दाल को ऐड करूंगी और चिकन को भी ऐड करूंगी। पहले चिकन डालूंगी मैं। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं दाल को ऐड करूंगी। दाल ऐड करने के बाद मैंने दही डाला है, इसको मिक्स करूंगी। दाल और चिकन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं एक खाने का चम्मच इसमें सिरका ऐड करूंगी, और इसके अंदर अब मैं पानी ऐड करूंगी। अच्छा, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत पतली दाल खाते हैं, और कुछ लोग थिक खाते हैं, कुछ दरमियानी खाते हैं, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा पतली दाल नहीं करूँगी। ये ज़रा थोड़ी थोड़ी ना रस बस्सी सी जैसा नहीं थी, बड़े मज़े की, जैसा लिक्विड भी हो और नहीं भी हो, मतलब बीज की जो दाल होती है, इस तरह मैं करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से होगी, ये देखें इस तरह से ये होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने चावलों का पानी उबलने रख दिया है, ये देखें दूसरी तरफ मैंने चावलों का पानी रख दिया, इसमें मैंने नमक डाला है, सिरका डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है, और जब पानी उबल जाएगा तो फिर मैं इसको फिर चावल ऐड कर दूंगी। दाल देखें हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, और दूसरी तरफ मैंने चावलों को भी दम पे लगा दिया है, और अब मैं अपनी डिश को सर्व करके बताती हूँ। हमारे मज़ेदार से दाल चावल तैयार हो गए हैं, ये देखें कितने मज़े की दाल लग रही है, और ये चावल भी कितने माशाल्लाह खिले खिले बने हुए हैं। और दालें भी अक्सर बच्चे नहीं खाते, तो ये उन मदर्स के लिए भी आसानी हो जाएगी जो दालें नहीं खाते, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, और इनसे हमें फाइबर भी मिलता है, तो इसलिए हमें ये खानी चाहिए दालें वगैरह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा है,
और मेरे भी छोटे भाई दाल इतने शौक से नहीं खाते, तो मैं ऐसे ही उनको बना के खिलाती हूँ। उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन कौन सी दाल है, तो आप भी ऐसे बना के खिला सकते हैं। तो ठीक, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और ख़ुद का भी रखना, और अपनी फैमिली का भी रखना, और मेरी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।